तो रितेश तिवारी से ही समझना चाहता हूं। रितेश तिवारी, सीधा आरोप लगाया गया है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इसकी शिकायत की जाएगी इलेक्शन कमीशन से। देखिए, उनका स्वाभाविक रूप स्थिति में नहीं है मुख्यमंत्री, क्योंकि विदेशी दौरा का जो प्रोटोकॉल है वो केंद्र में मंत्री रही है, इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान उनसे अपेक्षित नहीं है। पहली बात कि बांग्लादेश की आज़ादी का 50वां वर्षगांठ ये मोदी के कहने से इसका समय सीमा तय नहीं हुआ, ये समय सीमा बांग्लादेश की सरकार ने तय की है, बांग्लादेश के सरकार का कार्यक्रम है, उसमें गए हैं। और रहा बात जो बंटवारा, ममता बनर्जी की जो पुश्तैनी पार्टी थी वो कांग्रेस ने की थी, और वहाँ के लोगों में के बीच में जाने में, और उनको लगता है चुनाव प्रचार हो रहा है। और वैसे भी क्या चुनाव प्रचार बंद हो गया है क्या? नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के चुनाव में किसी पार्टी विशेष के लिए वहाँ प्रचार करने गए हैं क्या? तो जो फिरदौस का उन्होंने हवाला दिया, फिरदौस बंगाल में आए थे टूरिस्ट वीसा को लेके, और वो रायगंज में रायगंज लोकसभा के उम्मीदवार के लिए वो प्रचार कर रहे थे, दोनों मामले एक नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी की पैरों तले जो जमीन खिसक रही है, ठीक है, इससे वो परेशान है। जमीन खिसक रही है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। संजय शर्मा, जमीन निकल गई। कल तक तो वो लोग ये कह रहे थे कि तृणमूल रितेश तिवारी जी आऊंगा, हिंसा करती है, ये करती है, वो करती है। आज ये कहते हैं, आज चुनाव जब ठीक ठाक हुए हैं, चुनाव जब लगभग शांतिपूर्ण हुए हैं, तब ये लोग कह रहे हैं कि उनके पैरों की जमीन खिसक गई है। इनको मालूम नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस और जननेत्री दीदी ममता बनर्जी माँ माटी मानुष आंदोलन के एक ऐसे स्तंभ है जिनकी जमीन बेहद मजबूत है, और जब 2 मई को नतीजे निकलेंगे। अरे नहीं, लेकिन तो आपकी शिकायत का आधार क्या है? आप कह रहे हैं वीजा कैंसिल किया जाए नरेंद्र मोदी का, उन्होंने फिरदौस का उदाहरण दिया कि वो टूरिस्ट वीजा में आए थे और यहाँ आकर चुनावी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे थे। इस मामले को मोदी के मामले से कैसे जोड़ सकते हैं आप? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस मामले में जब दीदी ने कहा ही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसके पहले भी भारत में जब हमारे देश में राज्यों के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं ही प्रधानमंत्री विदेशी दौरों में उस समय रहते हैं और विदेश से जो चुनाव प्रबंधन का काम है वो करते हैं। लेकिन इसमें जब दीदी ने कह नहीं, लेकिन संजय शर्मा जी, ये जो जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात की जा रही है वो तो ये है कि चौथे और पांचवें चरण में उन सीटों पर जहां उनका ज्यादा प्रभाव है वहां मतदान है। अगर वहां जाकर उनकी कोई किसी एक्टिविटी से, मान लीजिए उस कम्युनिटीज को वो टच भी करते हैं, तो वो यहां पर क्यों विरोधियों को दिक्कत होने लगती है? नहीं, हमें इससे कोई खास दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी जाएं, प्रधानमंत्री जी अपना काम करें, और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत हो रही है सर, ये खास दिक्कत नहीं है? प्रधानमंत्री जी इससे पहले भी ऐसा काम किए हैं। रितेश तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपका इशारा देख रहा हूँ, कृपया एक बार सबके पास जाने दें, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।